इस वक्त की बड़ी खबर बदायूं से आ रही है, जहां बदायूं जिले के थाना अलापुर के चितौरा गांव का है मामला। पप्पू पाल ने बताया कि जब वो खेत पर अपने बेटे को खाना लेकर गए थे तो देखा कि उनका लड़का सचिन पाल मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। इसकी जानकारी ग्रामीणों को हुई तो ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, परिवार में कोहराम मच गया, पता नहीं लगा हत्या का आरोप। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ये मामला अलापुर थाना क्षेत्र के ग्राम चितौरा का है। बदायूं से विकास कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है? कौन सा गाँव है? चितौरा। जो लड़का कल खत्म हुआ वो आपका कौन था? भतीजा था हमारा। क्या मामला था जी? भाई हमारे रोटी लेकर गए थे, भतीजा हमारा मरा हुआ था और इन लोगों ने हमें फोन करा था तो हम लोग पहुंचे तो हमारा भतीजा मरा हुआ पड़ा था। इसकी आपने पुलिस को शिकायत की? जी। तो पुलिस आई थी? जी आई थी। तो पुलिस क्या कह गई है? पुलिस तो उठा कर ले गई थी, कह के कुछ नहीं। अभी आपने थाने में शिकायत की है इस चीज़ की? अच्छा, आपने अभी शिकायत नहीं की है। जो लड़का जो खत्म हुआ है वो आपका कौन था? भतीजा। क्या नाम है उसका? सचिन। सचिन, उसकी उम्र कितनी है? 15 साल। तो वो यहीं गांव में रहता था, कहीं बाहर काम धंधा करता था? काम धंधा कहीं नहीं करता था, यहीं पर खेत पर ही रहता था। अच्छा, खेत पर ही रहा करता था। तो आपके भैया उनके लिए रोटी लेके गए थे। क्या नाम है? कौन सा गाँव है? चितौरा। क्या बात हो गई आपके साथ? मैं गाँव रोटी लेके तो लड़का मतलब फोन पर खड़ा हो गया। लड़का आपका क्या नाम है? सचिन। तो लड़का कहाँ पर था? वहीं पर था। तो लड़का जब आप खेत पे गए थे तो आपका लड़का जमीन में गिरा हुआ था, तो आपने क्या करा? मैंने सूचना दी, पुलिस को दी, गाँव वालों को दी। तो मौके पर पहुंचे ग्रामीण, पुलिस ने क्या करा? कुछ नहीं, कुछ माल लेगा उठाया। आपको आपको किसी पे झक है इस बाल में? ना, कुछ नहीं। आपके लड़के कभी किसी से कोई झगड़ा हुआ? ना। तो आप लड़का, आपका लड़का स्वभाव में कैसा था? मैं तो घर में बढ़िया था। अच्छा, आपको इसके बारे में जानकारी कितने बजे हुई? 9 बजे। 9 बजे हुई थी। तो आपको 9 बजे पहुंच गए, आप रोटी लेके गए थे। तो आपका लड़का घर पे रहता था, खेत पे ही? अच्छा, खेत पे ही रहता था। तो आप क्या चाहते हो उसमें? कार्रवाई चाहता हूँ जल्द से जल्द। अच्छा।